श्रोमणी अकाली दल पार्टी जी अपने आप कहती सी कि असी किसान दे जो मुफादात है असी उहदी हिफाजत करने वाली पार्टी है। सारी उम्र जी उन्होंने सियासत की श्रोमणी अकाली दल ने वो किसान वास्ते की। अज भी मैं आर्टिकल पढ़िया श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का इंडियन एक्सप्रैस, तो मैं जो पढ़ रहा अखबार तो मैं सोच रहा कि हुण रोण का की फायदा। और ये पंजाब की तुम ये देखो बदकिस्मती समझ लो या कोई एक हसीन इतफाक जे मैं कह अकाली दल तो बीजेपी वास्ते कि जदों हिल स्टेट्स नू कंसेशन दिते गए 1998 उदों भी बीजेपी ते अकाली दल दी भाईवाल सरकार सेंटर सी। जदों जीएसटी दा निजाम नाफिज होया उदों भी बीजेपी ते अकाली दल दी सरकार नाफिज सी। और जदों ए एमएसपी ते सवालिया निशान या एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेज नू कानून च तब्दील किया गया ते उदों भी अकाली दल ते बीजेपी दी भाईवाल सरकार जिहड़ी है ए सेंटर दे विच इन्हां दी इतिहाद जिहड़ा जिहड़ा कि अज भी चल रहा है। और वो एक बड़े शायर होए ने पंजाबी दे शिव कुमार बटालवी, ते शिव कुमार कहिंदा है कि तकदीर तो साड़ी सौंकण सी, तकदीर ने तो पंजाब का किदे भी साथ नहीं दिता, तदबीरां साथों नहीं होईयां ते किदे ना झंग हीरां दीआं। ए पंजाब दी बदकिस्मती समझ लो कि तकदीर ने तो किदे साथ नहीं दिता, ना 47 वेले साथ दिता है, ना जदों 62-65 की जंग हुई है वह भी पंजाब ने अपने सीने ते हंडाई है, पंजाब ने अपना खून दे के ये हंडाया है। तो अज जिहड़े हालात चल रहे हैं, सो मैं अज जिथे पंजाब दे लोकां नू ये कहण वास्ते आया है कि और याद करवाउणा है कि जिहड़ी बात जो बिगड़ी हुई थी वो फिर सिद्धी कीने कीती। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह साहब ने बात जो बिगड़ी हुई थी, हारी हुई बाजी सी एस वाई एल दी, वो सिद्धी किने कीती? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों ये हुक्म आ गया सी सुप्रीम कोर्ट का कि CRPF ला दिओ ते नहर बन जाएगी, ये जिहड़ियां बिगड़िया हुई गल्लां ये अखीर कांग्रेस पार्टी के हिस्से च आया कि इन्हां नूं ठीक करना। उही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें हरा इनकलाब लैके आया, उही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें चिट्टा इनकलाब लिया। सो मैं अज इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जिहड़े पंजाब के किसान है, पंजाब की जिहड़ी आवाम है, मैं उन्हां नूं इक्को ही गल जिहड़ी मुकदी गल है वह कहण आया है बई अखीरले दम तक और अखीरले साह तक कांग्रेस पार्टी पंजाब के जिहड़े मुफादात है उन्हां दी असीं हिफाजत करांगे। साडा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, साडा एक माजी रहा है कि पंजाब जदों भी गल बिगड़दी है तो कांग्रेस पार्टी उन्हूं सही करती है। और मैं अज प्रेस के जरिए CM साहब का यह बयान पहला भी आ चुका है कि सानू भारत की अदलिया ते सुप्रीम कोर्ट ते सानू 100% एतमाद है, असी सुप्रीम कोर्ट तक भी जावांगे पंजाब का मुकदमा। और ये जिहड़ा कहिंदे है कि APMC जिहड़ा एक्ट है ये मंडियां तो अलावा भी हो सकता है, तो मैनू नहीं लगता कि कोई चीज़ सानू रोक रही है कि असी सारी पंजाब नू ही APMC के तहत ले आईए। पंजाब का हर नुक जिहड़ा कोना है और हर गोशा है असी पंजाब इन्हां नू APMC एक्ट के विच ले आईए। और मैं मेरा दिल इस गल की गवाही दिंदा है कि पंजाब का जिहड़ा किसान है वो सादा तो जरूर है पर इन्ना भी सादा नहीं है कि अपने नफा नुकसान नहीं पछाण सकता, अपने दार की पछाण नहीं आती, इन्ना भी सादा नहीं है कि शराब ते शरबत का उन्हें फर्क नहीं पता चल रहा, इन्ना भी सादा नहीं है कि कातल ते मकतूल का पंजाब के किसान
पता नहीं चलता। और मैं दो गल्लां होर मैं प्रेस की खिदमत कहनिया चाहना कि MSP कणक का जोड़ा वो 50 रुपए वध्या पिछले 10 सालों के सब तो घट जोड़ा MSP दे विच इजाफा होया वो इस साल होया 2.6%। और मैं जेडे थोनू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिते है उहदे विच पूरे 10 साल का टेबल है। और जेडी CACP हुंदी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस इन्होंने जो सरकार नू सिफारशात कीतियां सन 6.6% दी। और जेडी फूड इनफ्लेशन है फूड इनफ्लेशन दे विच सीरियल आंदे है वो 8.4% है। तो जिस वेले हुण इस वेले जदों अगले अप्रैल दे विच जदों किसान अपनी कणक वेचणगे तो रियल टर्म्स दे विच कणक जिहड़ी है पिछले साल नालों सस्ती बिकूगी। उस तरह ही जिहड़ा पैड़ी है झोना है झोने दे विच इजाफा जिहड़ा दित्ता है वो 2.9% है जदों कि CACP ने 5.1% कॉस्ट जिहड़ी एग्रीकल्चर दी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कह रहे हैं इनू 2.9% वधाया। इस गल का कांग्रेस पार्टी और खास करके पंजाब के लोगों शदीद गुस्सा भी है तो रंज भी है। मैं एक गल होर अज इस प्रेस ब्रीफिंग कहना चाहवागा कि CACP की रिपोर्ट आई है जिदे विच उन्होंने कहा कि जेड़ा ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है इंडिया दे विच कि जो भी मंडी च अनाज आउंदा है उहदा रिव्यू किया जाए। सो बेसिकली इहदा मतलब है कि जे CACP ने यह सिफारिश की है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का रिव्यू किया जाए तो मैनू इहदे च कोई शक नहीं रह गया कि इहदे नाल अपनी जिहड़ी MSP ते पंजाब की ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है ये खत्म हो जाएगी। और मैं एक गल ते होर भी कांग्रेस पार्टी नूं इतराज़ है कि CACP ने गल कही है कि जिहड़ी खादां ते सबसिडी मिलती है भारत सरकार की ये DBT मतलब सीधा किसान दे अकाउंट दे विच जावे। पर उन्होंने जो ये रखिया है कि 5000 पर फार्मर 5000 रुपया जे आप मन के चलीए कि पंजाब दे विच 15 लाख फार्मर है एक्टिव फार्मर है तो जे 5000 होया तो इहदा मतलब है कि ये 1500 करोड़ रुपए फार्मर दे अकाउंट चला जाएगा। अज पंजाब स्टेट है पंजाब दे विच जिहड़ी फर्टिलाइजर है इहदी लागत ज़्यादा है क्योंकि इत्थे ग्रीन रेवोल्यूशन पहला आ गई सी मॉडर्न एग्रीकल्चर इत्थे पहला आ चुक्या सी। सो जे ये सिफारिशां मनिया जांदियां कि डायरेक्ट बेनीफिट जिहड़ा है तो सब तो वड्डा जे नुकसान होएगा तो वह पंजाब दे किसान दा होएगा। और किन्ना होएगा 4.5 हज़ार करोड़ रुपए क्योंकि अज जिहड़ी पंजाब नूं फर्टिलाइजर सबसिडी है ये 6 हज़ार करोड़ है जे 1500 डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी है गवर्नमेंट तो 4.5 हज़ार करोड़ का यह नुकसान है। ओपन एंडेड जे प्रोक्योरमेंट खत्म होगी जिथे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है नहीं मसलन बिहार मसलन UP ईस्टर्न UP या होर जिहड़े स्टेट्स है उत्थे MSP तो तकरीबन 30% घट कीमत पर प्राइवेट ट्रेडर खरीदता है। तो मेरा यह अनुमान है कि पंजाब दे विच जे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट खत्म होगी तो पंजाब दे जिहड़े नुकसानात है फर्टिलाइजर नूं लैके ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट नूं लैके ये बहुत भारी हो जाने हैं। और इस करके मैं अखीर दे विच इन्ना भी कहना जाऊँगा कि BJP ने इलैक्शन जितया जिहदे विच श्रोमणी अकाली दल भी उहदा भाईवाल है और इन्होंने एक स्कीम बनाई जिहड़ी कि इन्हां नूं इलैक्शन जिता गई जिन्हों एक कहिंदे PM किसान हर किसान दे हिस्से 500 रुपया एवरी फार्मर 500 रुपया जिहदे नाल 6 हज़ार करोड़ रुपया 6 हज़ार रुपया हर किसान दे खाते च साल च आउंदा है। पर जिहड़ी डीजल दी कीमत है और एक जे रफ जिहा एस्टीमेट लाइए बड़ा सादा जिहा एस्टीमेट कि एक एकड़ च
दो फसलां कणक ते झोने दीआं पालण वास्ते तकरीबन 50 लीटर डीजल खर्च आउंदा। 1 लीटर डीजल ते इन्हां ने हुण टैक्स जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है वो 40 रुपए है। 40 रुपए डीजल का टैक्स लगता है। मैं 50 रुपए से भी घटा दिना, मैं ऑल इंडिया ही कर दिना, पंजाब तो 50 लगता है, पर चलो आप मान लो भी 30 लीटर ही लगता है। तो 30 लीटर जे 40 रुपए ना आपू जरब दिने तो यह भी 6000 रुपया बन जाता जे किसी को 5 एकड़ जमीन हो। तो बेसिकली जिहड़ा पीएम किसान भी पैसा दिता है, इन्होंने पिछले एक साल के डीजल के उत्ते टैक्स ला के इन्होंने वो वसूल कर लिया, किसान के हिस्से कुछ नहीं आया। सो मैं अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं पंजाब के किसानों जिथे मैं भरोसा विश्वास यकीन तसली इतबार दवाना चाहना कि कांग्रेस पार्टी के हत्थां दे विच किसान के जिहड़े हक है वो महफूज है, वो मुस्ताकम है, वो रोशन है। और जिस तरह मैं कहा कि हर हद तक अखीरली साह तक और अखीरले दम तक ये पंजाब के किसान का जिहड़ा मुकदमा है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार ये लड़ूगी, इस गल का जिथे मैं विश्वास दवाना। बीजेपी ते अकाली दल जिहड़े कि अपने आप नूं कहिंदे कि ओल्डेस्ट एलआई है, सब तो पुराने इतिहादी है बीजेपी दे, मैं समझदा कि उन्हां नूं जवाबदेह होना पैना है जनता की कचहरी दे विच, प्रेस दे विच कि वजह सी कि 1998 दे विच स्पेशल जिहड़ी एक्साइज कंसेशन दित्तियां, जिहड़ा जीएसटी का निज़ाम नाफिज होया, या जिहड़ा MSP दे जिहड़े बिल आए हैं, इन्हां च तुसी मोदी साहब नूं इस गल ते उन्हां तों सवाल नहीं कीते। और अज जिहड़ा हरसिमरत कौर बादल उन्होंने इस्तीफा दे दिता कुछ दिन पहला, पर उन्होंने मूँह चों बीजेपी के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मैं एक बयान नहीं सुनिया कि एक हाथ तो मोदी जी के घुटनों पे हो और दूसरा मोदी जी के गरेबान पे हो, या घुटनों पे हाथ हो सकता है या गरेबान में हाथ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, या खरगोशा ना बंदा भज सकता या शिकारिया ना, दोनों नाल नहीं भज सकता। मैं समझदा कि इन दोनों गल्लां च बीजेपी ते अकाली दल पंजाब के लोगों नूं जवाब दे है। और अखीर दे विच मैं एक गल होर भी कहना जाऊँगा कि एक तासुर पैदा किया गया है। बयान तो झूठे भी हो सकते हैं, बयानों के विच तासुर पैदा किया गया कि जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी सी जिहदे विच कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर या पंजाब स्टेट उहदा हिस्सा सीगा, उहदे विच मनप्रीत बादल ने या चीफ मिनिस्टर ने दस्तखत करते कि ये एग्रीकल्चरल जिहड़े ऑर्डिनेंस जिहड़े कि हुण कानून दे विच कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, तो पंजाब गौरमेंट की किसे तरीके नाल इहदे विच सहमति सी। मैं पंजाब की जनता नूं ये दसना चाहवांगा कि जिहड़ियां इस लैवल दीआं मीटिंग होंदियां ये मीटिंग जिहड़ियां ये गल्ली बाती नहीं होंदियां, इन्हां मीटिंग्स दे मिनट्स बनदे आ और मिनट्स जिहड़े आ फिर सर्कुलेट होंदे आ, कौन बंदा की बोलिया हू बहू। पहली मीटिंग ते तां पंजाब नूं शामिल ही नहीं किया गया, असी उन्हां नूं प्रोटेस्ट किया पंजाब ने कि एग्रीकल्चर ते मीटिंग होवे ते पंजाब उहदे च उहनूं दी शमूलियत ना होवे, तां इहदा उही हो गया जिवें बिना लाड़े तो बरात जा रही है, दूल्हे तो बगैर बरात किवें जाएगी, पंजाब तो बगैर एग्रीकल्चर इंडिया का की समझेगा। उन्होंने सानू दूजी मीटिंग शामिल किया, तो यह जिहड़े मैं थोनू दस्तावेज दते है इहदे विच मिनट्स जिहड़े है उस मीटिंग दे मिनट्स भी दर्ज है, ये तुसी पढ़ सकते हो, इहदे च जो मैं उत्थे बोलिया वह भी दर्ज है। और जो पंजाब सरकार ने तीजी जिहड़ी मीटिंग नहीं हुई उहदे च कहा सी कि तुसी अपने फाइनल कॉमेंट्स लिख के दे दिओ, वो 6 सफ़ियां का जिहड़ा पंजाब की रिपोर्ट है वह भी मैं थोड़े सामने पेश कर रहा। सो मैं अज की जिहड़ी मुख्तसर जी प्रेस ब्रीफिंग सी मैं इन्ना ही कहना चाहवांगा, जे किसी पत्रकार का किसी भरा भैन का कोई सवाल जवाब होवे
ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਚੀਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। One, you said that Gujarat has always been under attack. The GST was gone back, and you said that the concession period is taking second attack. And you also spoke, in the same breath, you spoke about the fact about the militancy. So, militancy was an attack on Punjab by the centre, or you're talking about some specific agency, intelligence agency? What exactly are you saying? So, मेरा जिहड़ा बयानी है वो यही सीगा कि पंजाब ने हमेशा हिंदुस्तान वास्ते कुर्बानी दिती है। बेसिकली मिलिटेंसी वॉज जिहड़े साडे देश के दुश्मन सीगे, दे वॉन्टेड टू डीस्टेबलाइज इंडिया, वो बंगलादेश का बदला लेना चाहते सी। द कट्स वो मेड इन पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वेले, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी स्टेट जिहड़ा स्ट्रेस च आ गया आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट कम टू द एड ऑफ दैट स्टेट। सानू साढ़े 27,000 सिविलियन शहीद हो गए, साढ़े 8100 पुलिसमैन शहीद हो गए, साडा नुकसान हो गया, साड़ी इकोनमी तबाह होगी। जिस किस्म की मदद असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाहते सी, बड़ी मुश्किल नाल मिलिटेंसी दे लोन्स जिहड़े वेव ऑफ होए, और जदों वेव ऑफ होए 2500 करोड़ रुपया असी प्री पे कर चुके सी, जिहदी कि अज तो 10 साल पहला नैट प्रेजेंट वैल्यू 10,000 करोड़ बनती सी, जिहदी कि अज दे विच अज दे हालात, जे तुसी ये तो मैथमैटिक्स है, जे तुसी कैलकुलेट करो तो 30,000 करोड़ रुपया अज नैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2500 करोड़ जिहड़े कि 30 साल पहला असी भरे हैं। वो उस चलो मैं नहीं कहता कि असी उहदा कोई मुआवजा होवे कि असी जदों हिल स्टेट्स नूं कंसेशन देवांगे, पंजाब की इकोनमी तो वैसे तबाह हो गई है, 92-93 चो असी निकले हैं मिलिटेंसी चो, उही बीजेपी की सरकार फिर जाके हिल स्टेट नूं कंसेशन दिंदी जिहड़ी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बची सी। सर ये कंसेशन की सीगे? कंसेशन का मतलब सी जिहड़ा हिमाचल या जम्मू कश्मीर च कारखाना लाऊगा उनू कोई इनकम टैक्स नहीं देना 10 साल वास्ते, उनू कोई सेंट्रल एक्साइज नहीं लगेगा। तो किसी का दिमाग फिर है कि वो पंजाब जाके इन्वेस्टमेंट करूगा? जे 10 गज तुसी पठानकोट तो अगे चले जाओ तो तुसी इनसेंसिटिव है, या ये कोई साजिश है कि किवें हो सकता है कि जो भी बिजली डिगदी है तो पंजाब से डिगदी है? सानू इन्होंने एक अश्योरेंस दिती कि तुसी GST दे निजाम च शामिल हो जाओ, थोड़ी जिहड़ी जे कोई थोनू घाटे पै गए तो असी उन्हूं कॉम्पनसेट करांगे। असी उन्हां दीआं गल्लां च आ गए, या गल्लां च दी वी गल नहीं, जदों कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ही दर्ज हो गया तो असी सोचा भी चलो ठीक हो जाएगा। हुण तुसी हिसाब लाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए है, 9,000 करोड़ रुपया ये स्टेट किवें चल, जे 9,000 करोड़ रुपया जे GST नहीं होंदा, वैट होंदा, असी अपने टैक्स कट्ठे कर लेंदे, जे साडे कोले कोई शॉर्टेज होंदी असी टैक्स वधा लेंदे। हुण साडे तां ये साडे वस दी गल नहीं है, ना असी टैक्स वधा सकदे हैं, ना सानूं कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, असी स्कूल बंद कर दिए, असी जेलां दे दरवाजे खोल दिए, असी नहरां बंद कर दिए, असी हस्पताल, स्टेट किवें चलेगा? सो या तो यह साजिश है या इनसेंसिटिव है कि अ स्टेट लाइक पंजाब, वाई डू वॉन्ट टू डीस्टेबलाइज इट? जेड़ा, और मैं थोनों एदा असली मकसद दसदा है, ये MSP खत्म करना है, एदी वजह की है, FCI दियां बुक्स दे विच अज 4 लाख करोड़ का डेट है, जेड़ा कि 31 मार्च नूं 6 लाख करोड़ हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 6 लाख करोड़ किवें होया? 6 लाख करोड़ होया क्योंकि ये PDS के राशन जाता है, बजट चो पैसे देने चाहिए सी, FCI मिल नहीं रहे, FCI लोन ले रही है, बेसिकली दे आर अनएबल टू कंटिन्यू। और मैं 2-3 रुपए होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है जी, हैंडलिंग वगैरह, तुम 20 रुपए समझ लो 1 किलोग्राम कणक का जो रेट है, 5 किलो देना है 100 रुपया बन गया। जे 1 महीने च भारत सरकार 100 रुपया भी
उस इंसान नूं नहीं दे सकती जिहड़ी कि खते गुरबत तो थले है, गरीबी के खास लकीर तो थले है। जे 100 रुपया महीना भी कोई सरकार नहीं दे सकती तो फिर सरकार खवाउण दा उहनूं कोई अधिकार नहीं। जिहड़ा कि ये MSP खत्म करना मतलब यह हो गया कि हौली हौली ये PDS सिस्टम भी खत्म होगा। थैंक यू। चलो सर, बेसिकली होया कि जो 25% टैक्स जोड़ा बेस रेवेन्यू साडा कट गया तो दैट वॉज द लॉस। बट दे टोल्ड अस कि असी 5 साल तुसी फिक्र ना करे, जे 5 साल असी कॉम्पनसेट कर देंगे और 5 सालों थोड़ी GDP इन्नी बढ़ जाएगी, थोड़ा टैक्स सिस्टम इन्ना सरल हो जाएगा, थोड़ी एक्सपोर्ट इन्नी कॉम्पीटिशन आ जाएंगे कि थोनू फिर कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं पैगी। पर मिडवे हुण जाके सानू ये धमकियां दे रहे हैं कि या तो Option 1 या Option 2 इनू तुसी मान लो, वरना फिर थोड़ी कॉम्पनसेशन 2022 च देवांगे।